एआरवाई न्यूज़ पर एक मरतबा फिर आपको खुश आमदेद। इफ्तार आमिर के साथ मेक अ विश फाउंडेशन और इश्तियाक बेग साहब, उनके साथ बच्चे आए हुए हैं माशाल्लाह, आप इनको देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आमिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इमरान तजमुल बात कर रहा हूँ। जी जनाब। बस मैं चाहता हूँ कि मैं 10 बच्चों को उनकी ख्वाहिशें पूरी करूँ। अच्छा जी। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं वॉलंटियर वर्क भी करूँ इनके साथ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, असल में मैं आपको एक थोड़ा सा बात करना चाह रहा था। जी। कि मेरी 3 बेटियाँ और 1 बेटा है। जी। लेकिन मेरा 1 बेटा और बेटी मुझसे जुदा है, वो अमेरिका में है। अच्छा। और उनके मिलने का कोई सबील नहीं है, तो मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा कि हम लोग वापस मिल सके। और जुदाई का गम मैं जानता हूँ असल। अल्लाह ताला आपको आपको मिलाए सबको और आपकी जुदाई खत्म करे। बस मैं यही मैं चाह रहा था कि मैं इनके ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ। इंशाल्लाह आपसे इश्तियाक बेग साहब कॉन्टेक्ट कर लेंगे। आप अपना नंबर MCR में छोड़ दीजिएगा हमारे लिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, फारकत बोल रहा हूँ जी, दुबई से। जनाब अली, अभी आपका प्रोग्राम देखा ये बच्चों के साथ। जी। तो सीधी बात है कि आदमी का कोई पत्थर दिल होगा जिसका दिल मोम नहीं होगा इस पे। और मैं इश्तियाक साहब से बहुत बहुत उनको मुबारक देता हूँ कि ये उन लोगों ने इन बच्चों के लिए सारा बने हुए हैं। तो मैं इनके लिए 1 लाख रुपए डोनेट करना चाहता हूँ। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। और दूसरा, मुझे ये बच्ची अभी जो नात सुनाई है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कम से कम इसकी जिंदगी में एक दफा मदीना मुनव्वरा के पहुँचाऊँ उम्रे के लिए। अच्छा, वो अभी हुआ ये जी, अभी हुआ ये कि एक और खातून है दुबई से, जारा अहमद उनका नाम है, उन्होंने इस बच्ची के लिए कहा कि मैं इसे मदीना पहुंचाना चाहती हूँ। अब आपने भी कहा आप भी इसे मदीना पहुंचवाना चाहते हैं, तो ऐसा कर लेंगे, आप दोनों मिलके कर लें। यूं कर लेते हैं कि क्योंकि इनकी अम्मी अब्बू भी जाएंगे ना साथ, तो कोई इनके अम्मी अब्बू के अखराजात उठा ले और कोई इनके लिए उठा ले। ठीक है ना? जी जी जी, इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। मैं आपको अकाउंट नंबर बता देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। मेक अ विश फाउंडेशन का जो है यह अकाउंट नंबर 01182538201। बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान, ये IR चंडीगढ़ रोड पर है और अकाउंट टाइटल है मेक अ विश फाउंडेशन पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, रबिया बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। मुझे इनसे बात करनी है एक्चुअली। जी, मुझे इन बच्चों से बात करनी है। अच्छा, बच्चों से बात करनी है, बिल्कुल कीजिए। किससे बात करनी है? सना से, अब्दुल बासित से? सना से बात करनी है। सना बात करने चाह रही है आपसे। जी वालेकुम सना। वालेकुम सलाम। जोर से बोले सना, जोर से। वालेकुम सलाम। जी बेटा, आपने जो नात पढ़ी आपने माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी पढ़ी है। और बाबर का 23rd का ऑपरेशन है ना? जी बाबर का 23rd। जी, तो हम सब बाबर के लिए बहुत दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको मेरी भी उम्र लगा दे। और इकरा जो है वो उनको डॉल्स बहुत पसंद है ना? जी है ना। जी जी जी, तो बताइए जोर से बोलिए। डॉल्स मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। अब आप बताएं आपको कितनी बड़ी डॉल्स चाहिए? आंटी से बात करें जोर से बोलिए, उन्हें बताएं मुझे डॉल्स पसंद है, बताएं। मुझे डॉल्स पसंद है बहुत। अब कितनी बड़ी डॉल चाहिए? बड़ी चाहिए। कितनी बड़ी? आप जितनी। मुझे जितनी? चलो ठीक है, इतनी बड़ी डॉल मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। ठीक है जी। ठीक है, इश्तियाक साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया बहुत। अल्लाह ताला सब बच्चों को बहुत लंबी जिंदगी अता करे। शुक्रिया बहुत। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, ये जो हमारे अब्दुल बासित हैं, जब ये मोहल्ले में निकलते हैं तो आपको पता है लोग इन्हें क्या कहते हैं? जब ये तैयार होके अभी आ रहे थे यहाँ, तो इनको लोगों ने कहा जॉब पे जा रहे हो क्या, काम पे जा रहे हो? तो ये माशाल्लाह बहुत खुश हो जाते हैं जब कोई इनको ये कहता है। और हमारे जो बाबर भाई हैं, इनका क्रिकेट के साथ साथ इनको माशाल्लाह और भी बहुत सारे इनके शौक़ हैं। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला इसका 23rd को जो ऑपरेशन है वो कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला इसके मुकद्दर में, इसकी ज़िंदगी में इतनी सांसें तो लिखे कि ये अपने आने वाले बच्चों की बाहर देख सकें। बहुत सारी सांसें इसके लिए लिख दी जाएं। मैं मुझे यकीन है कि बहुत सारे हाथ इसके लिए उठेंगे दुआ के लिए कि अल्लाह ताला बाबर को सलामत रखे, बाबर इसी तरह हंसता रहे, बाबर हंसता रहे, इकरा हंसती रहें, फ़ायज़ा हंसती रहें, है ना। और हमारा अब्दुल बासित जो उसका अज़्म है ख़ुदकुश हमला आवरों के ख़िलाफ़, ये उस अज़्म में कामयाब हो। और ये जो पाकिस्तान का नासूर है ये ख़ुदकुश हमला आवर, उनसे ये मुकाबला करे, उनको तहतेख करे और अपने वतन को बचाए फ़ौज में जाके,
और हमारी सना मदीने भी जाएं, मदीने की ज्यारत भी करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पे हाज़िरी भी दें, और इनको देख के लगता है बहुत बड़ी मुबल्लिगा बनेंगी, तो इंशाल्लाह ये मुबल्लिगा भी बने और हम सब इनसे सीखें और ये पाँचों सलामत रहें, और इन जैसे जितने बच्चे हैं अल्लाह उन सबको सलामत रखे, अल्लाह उन सब के माँ बाप के कलेजे को ठंडा रखे। आप कुछ बोले मुझसे तो बात इस वक्त नहीं हो रही थी। एक चीज़ सर, डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे अभी दुबई से भी कॉल आई, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी कुछ अरसे पहले यूके से एक फास करके मोहतरमा आई यहाँ पे, और वो सिर्फ इस पर्पज़ के लिए आई थी कि अपने साथ बच्चों को, उन्होंने 4-5 बच्चों की विश अडॉप्ट की थी, और इंग्लैंड से स्पेशली आई और उन्होंने बच्चों की विशेष यहाँ पे ग्रांट की। एक और मोहतरमा है, रेगुलरली वो बेचारे बच्चों की विशेष ग्रांट करती हैं, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, और हर महीने उनका जी कुछ ना कुछ चेक आ जाता है हमारे पास। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इसमें आपको बतलाऊँ कि मुल्क से बाहर रह रहे हैं मगर इनके दिल जो हैं पाकिस्तान में हैं, और इतना कर रहे हैं ये हर उसके ऊपर, चाहे वो फ्लड हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे कोई और चीज़ हो, तो ये देख के बड़ी खुशी होती है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप अकेले नहीं हैं, दूसरे लोग भी आपके साथ हैं। नहीं, अल्लाह ताला आपको बहुत हिम्मत देगा इश्तियाक भाई, आपके साथ पूरा पाकिस्तान है, पूरी दुनिया है, जो आपने अज़म लिया हुआ है, जो काम आप कर रहे हैं, मैं तो आपको सिर्फ खराज तहसीन पेश कर सकता हूँ, मुझे और कुछ, मैं कुछ नहीं आपके लिए कर सकता। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरे अंकल कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, कौन साहब बात कर रही हैं? जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ जंग से। जी फातिमा अंकल, एक तो मैंने आपसे कहना था कि मैं आपको प्रोग्राम इतने ज्यादा शौक से सुनती हूँ, माशाल्लाह आपके प्रोग्राम देख के हमें इतना कुछ सीखने को मिल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बड़ी मोहब्बत फातिमा। और मैं ना आपको प्रोग्राम सुन के जाती हूँ, जो भी अच्छी बातें होती है अपनी क्लास वाले उसको जाके बताती हूँ कि आप, क्योंकि आपने खुद कहा था कि ये अच्छी बात सुनना और उसको आगे फैलाना सुनकर प्यार क्या होता है। जी जी। और माशाल्लाह से जो आपने बच्चों को बुलाया हुआ था वो भी बहुत अच्छा था, हम लोग उन बच्चों के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, सेहत दे। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। फातिमा बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सब दुआ कीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं अब्दुल बासित के लिए, सना के लिए, फायजा के लिए, इकरा के लिए, और चूंकि 23rd को बाबर का ऑपरेशन है तो बाबर के लिए ख़ास तौर पर कि अल्लाह ताला उसके ऑपरेशन को कामयाब करे। जिना हॉस्पिटल कराची में उसका ये ऑपरेशन होने जा रहा है, बाबर ने मुझसे वादा किया 28 तारीख को मुझसे मिलेगा, मुझे यकीन है बाबर अपना वादा नहीं तोड़ेगा, मुझसे मिलना है उसने, ठीक है ना। और मैं जाते जाते, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँच रहा है, इश्तियाक भाई से ये कहूँगा कि अगर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया में उनको देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, वो कोई रिक्वेस्ट करें और फिर हम प्रोग्राम का इख्तिताम एक अब्दुल बासित के अटेंशन पे करेंगे, और अब्दुल बासित का जो सल्यूट है उस पर हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। जी साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं है आज के, आपने और ARY ने नेक विश के लिए जो स्पेशल प्रोग्राम किया है, अल्लाह आपको उसका जजा देगा। मैं सिर्फ यहाँ पे एक देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं, प्लीज़ हमारी वेबसाइट है, हमारा क्लिफ्टन सेंटर के अंदर ऑफिस है, आइए बतलाएं, हम चाहते हैं कि उस बच्चे की ख्वाहिश को करेंगे। अगर आप हमें एज ए वॉलंटियर ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमें वॉलंटियर्स की बहुत ज़रूरत है, पाकिस्तान बहुत बड़ा है, हम चाहते हैं हमारे लोग हर हॉस्पिटल में जाएँ, जो बच्चा बीमार हो, लाइलाज मर्ज में मुब्तला हो, आप हमें बतलाएँ, हम उससे कॉन्टेक्ट करेंगे, उसकी विश को पूछेंगे, फिर उसको पूरा करेंगे। और इसी तरह अगर आप अडॉप्ट कर सकते हैं विशेष को वो भी करें। साथ में पाक फौज का मैं बहुत बहुत कियानी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त के ऊपर अब्दुल बासित को एक दिन के लिए फौजी बनाया। मैं आपको बतलाऊँ कि दुनिया की कोई और फौज वो काम नहीं कर सकी जो कियानी साहब ने करके दिखाया। इसी तरह मैं इस फैमिली को भी सलाम पेश करता हूँ कि जो बच्चे के दरवाजे पर मौत दस्तक दे रही है मगर ये कह रहा है कि मैं जो हूँ फौजी बनूंगा और दहशतगर्दों का मुकाबला करूँगा। तो इन सब बच्चों के लिए दुआ करें, अल्लाह मियाँ इनकी दुआ जो है आप लोगों की, रमज़ान का महीना है इंशाल्लाह पूरी होगी और अल्लाह इनको सेहत देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और नाज़रीन किराम, अभी हम सब इनके साथ इफ्तार करेंगे, इनकी पसंद की चीज़ें मंगवाई हैं, और आज मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत इफ्तार होगी इन बच्चों के साथ। अभी हम थोड़ी देर बाद रोज़ा खोलेंगे, और इश्तियाक भाई की तरफ से कुछ गिफ्ट हैं जो ये मेरे हाथों दिलवाना चाहते हैं। ईद का इनका तोहफा है डॉक्टर साहब। अच्छा। और ये
ये बड़े खुश थे आपको, बहुत खुश थे, रात भर सोई नहीं जब इनको हमने बतलाया, दे वर सो एक्साइटेड। ये आप ये फायदा के लिए, फायदा के लिए, ये लीजिए फायदा। जी हाँ, मेरा तार लगा हुआ है। हाँ ये आपके लिए। हाँ जी है। और ये जो है बाबर के लिए। ओहो बाबर, फौजी को तो जनाब, फौजी जनाब भी मिल गई है। ये तो जनाब बहुत रिच हो गए हैं। ये एक सैल्यूट जबरदस्त ऐसे, ये लीजिए। और ये सना के लिए, माशाल्लाह, मदीने वाली बच्ची है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्हें तो बहुत बड़ा तोहफा मिल गया, इनको मिल गया। अब तो ये जा रही है बस, अब अम्मी अब्बू से तैयारी, बस वीजा सब मैं लगवाता हूँ अभी, ठीक है ना। टिकट का इंतजाम कर दिया है जारा आंटी ने, और अभी दुबई से एक और अंकल आए थे उन्होंने, शुक्रिया। बाकी हम करते हैं अभी, ठीक है ना। तो नाज़रीन किराम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों, अल्लाह तुम लोगों को सलामत रखे, जीते रहो। और नाज़रीन किराम, इश्तियाक भाई आपका बहुत शुक्रिया, मेरा बहुत बहुत आपको शुक्रिया जी। प्रोग्राम जी नहीं चाहता लेकिन इख्तिताम भी करना है। इख्तिताम करेंगे अब्दुल बासित के, वही दोबारा से अटेंशन पर, और दाएं मोड़ और बाएं चल और क्या था पता नहीं क्या क्या, बस शुरू हो जाए, रखें आप यहाँ पे और करें, फिर आपके सैल्यूट पर ख़त्म करेंगे जी। आगे चल। इसके साथ ही ARY न्यूज से आमिर लियाकत हुसैन को इजाजत दीजिए। आपसे मेरी मुलाकात होगी ARY डिजिटल पर। हमें यकीन है कि आप सब लोग हमारे साथ रहेंगे।